हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैपेचिनो की रेसिपी। कैपेचिनो तो सबको पसंद होती है, लेकिन इसे फेंटना किसी को भी पसंद नहीं होता है। आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आपकी कैपेचिनो बगैर हाथ को दुखाए एकदम आसानी से बन जाएगी, और ये कैपेचिनो इतनी फ्लफी झागदार बनेगी आप वीडियो को देखते ही कहेंगे मैं तो इसे आज ही ट्राई करूंगी। और इसे कितने दिन हम स्टोर करके रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कॉफी बनाने के लिए सबको पता ही होगा हमें चाहिए होगी कॉफी, जो कि बिना कॉफी के तो कॉफी बन ही नहीं सकती। यहाँ आप कोई सी भी कॉफी यूज कर सकते हैं। कॉफी बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉफी पाउडर, इसके साथ ही हमने ली है 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 टेबल स्पून एकदम परफेक्ट है। 1/3 कप हम लेंगे पानी। यहाँ हमने पानी को गुनगुना लिया है। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करूंगी, इसलिए मैंने गुनगुना पानी लिया है, लेकिन अगर आप हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तेज गर्म पानी का इस्तेमाल करिएगा। अब हम ले लेंगे एक बड़ा बाउल, इसमें डालेंगे कॉफी पाउडर और साथ ही में इसमें डालेंगे चीनी, और अब डालेंगे गुनगुना पानी। अगर आप यहाँ हैंड विस्कर का यूज कर रहे हैं तो आप तेज गर्म पानी डालें। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का यूज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ गुनगुना पानी ही लिया है। अब हम इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। शुरू में हमारे बीटर की स्पीड लो पर ही रहेगी 30 से 35 सेकंड के लिए, और आप देखेंगे 30 से 35 सेकंड में ये अपना कलर चेंज करने स्टार्ट कर देगा। ये देखिए 30 से 35 सेकंड हुए और हमारे मिक्सचर ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और अब मैं अपने बीटर की स्पीड को हाई पर ले जाऊंगी, और मैंने अपनी वीडियो की स्पीड को डबल कर दिया है ताकि आपकी कॉफ़ी टाइम से हो जाए। मैं यहाँ वीडियो को एडिट नहीं करूँगी ताकि आप इसके सही रिजल्ट देख सकें। ये देखिए अब इसमें हल्की हल्की टिक बनने लगी है। कुल मिलाकर मुझको इसको बीट करते हुए 3 से 4 मिनट लगे हैं, और आप देखेंगे ये जो मिक्सचर है इसका कलर कितना तेजी से चेंज हो रहा है, इसमें एक अच्छा क्रीमी कलर आने लगा है। ये देखिए अब आप इसकी टिक आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट टिक बनने लगी। इसकी पहचान यही है, ये मिक्सचर टपकना नहीं चाहिए, और आप देखोगे इसकी टिक कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए 4 मिनट में एक परफेक्ट हमारी कॉफी बीट हो गई है। ये देखिए मैं आपको चम्मच से भी इसके रिजल्ट दिखा देती हूँ कि इतनी अच्छी हमारी कॉफी बीट हुई है। अगर मैं चम्मच से भी उठाती हूँ तो ये बिल्कुल नहीं गिर रहा। यही है इस कॉफी की पहचान। अगर आप इसको बीट करते हैं और चम्मच में लेते हैं और इसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ये तब भी नहीं गिरता। ये कॉफी का मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है, इसे हमने 4 से 5 मिनट के अंदर ही तैयार कर लिया है। आप ये काम मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना फ्लफी कॉफी नहीं बनेगी। अब मैं बताती हूँ इस मिक्सचर को हम 1 हफ्ते तक स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक लेना होगा एयरटाइट कंटेनर। अब हम जितना भी ये मिक्सचर है हमें यूज करना है वो हम रोक लेंगे, और जो नहीं करना वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देंगे। और आपका जब भी मन हो आप इसे फ्रिज में से निकालें और अपनी कॉफी बना लें। वैसे ये कॉफी 6 से 7 लोगों के लिए है, इतने मिक्सचर में 6 से 7 कप कॉफी बना ही सकते हैं, लेकिन अभी मुझे 1 कप ही कॉफी बनानी है, तो मैं अभी इसको एयरटाइट कंटेनर में रख रही हूँ। और जब आपको जरूरत हो निकालिए और झटपट अपनी कॉफी तैयार कर लीजिए, आपको जो भी टाइम है सेव हो जाएगा। रोज रोज आपको बीट नहीं करनी पड़ेगी कॉफी। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, यानी कि 250 ml के करीब। यहाँ पर दूध जो है फुल फैट लीजिएगा, और मैं यहाँ पर दूध को थोड़ा सा विस्क करूंगी। आप हैंड विस्कर से या फिर हैंड ब्लेंडर से बीट कर लीजिए। ऐसा करने से दूध में झाग फॉर्म होगी, जिससे कि हमारी जो कॉफी है और भी ज्यादा अच्छी बनेगी। इस तरह से बीट कर करके आप इसमें झाग फॉर्म कर लीजिए।
ये देखिए आप देख रहे हैं गोद में अच्छे खासे झाग आ गए हैं, जिस तरह के हमें झाग चाहिए। रेस्टोरेंट में जो कॉफ़ी सर्व की जाती है तो वो दूध में भी इस तरह के झाग फॉर्म करते हैं, जिससे कि उन लोगों की कॉफ़ी एकदम परफेक्ट बनती है। तो उसी तरह की कॉफ़ी बनानी है तो ये स्टेप ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको कॉफ़ी सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने ये एक कप ले लिया है, इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून कॉफ़ी का मिक्सचर, और अब हम इसमें ये जो झागदार दूध बनाया है ये डाल देंगे। थोड़ा सा ऊंचाई से डालेंगे जिससे कि इसमें और भी ज्यादा झाग फॉर्म हो। इसमें चीनी एकदम परफेक्ट है, लेकिन आप ज्यादा मिठास पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी दूध में डाल लीजिए। और आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कैपेचिनो कॉफी बनकर तैयार हुई। और ऊपर से 1 टीस्पून में ये मिक्सचर और डालूंगी और ऊपर ही ऊपर इसको मिला देंगे, ताकि इसमें जो झाग है बहुत ही बढ़िया बने। और ये लीजिए तैयार है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कैपेचिनो कॉफी। कम बजट में बहुत ही सस्ते में बनी है और बहुत बढ़िया हमारी कॉफी बनी है। तैयार है हमारी कैपेचिनो कॉफी। अगर आपको मेरी कैपेचिनो कॉफी की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइए। थैंक यू। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।